इस वक्त हम थर बॉर्डर में मौजूद हैं। इंडियन बॉर्डर है ये। 65 की वार के दौरान इसी एरिया में दुश्मन काफी हद तक अंदर दाहल हुआ और फिर किस तरह अफवाज ने अवाम ने मिलकर दुश्मन को ना सिर्फ पीछे धकेला बल्कि काफी हद तक पाकिस्तान का दफा किया। आज का खसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान आर्मी के साथ, सिंध रेंजर्स के साथ। उर्दू पॉइंट की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में हूँ शामदीद, मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ुहैब मंशा। 6 सितंबर 1965, जब दुश्मन ने अपने नाकाम अजाइम के साथ पाकिस्तान के दफा को कमज़ोर करने की कोशिश की, पाकिस्तान के दफा को चैलेंज करने की कोशिश की, पाकिस्तान के दफा को तोड़ने की कोशिश की, तो पाकिस्तान की मसल्ला अफवाज और अवाम ने जिस जुर्रत, बहादुरी और यूनिटी के साथ दुश्मन को भरपूर जवाब दिया और ना सिर्फ दुश्मन बल्कि दुनिया को पैगाम दिया कि अगर किसी ने भी पाकिस्तान के दफा के ऊपर बुरी निगाह से देखने की कोशिश की तो हम उसको उसी तरह निशाने इबरत बनाएंगे जिस तरह 1965 यानी 1965 की जंग में दुश्मन को बनाया था। तो आज का खसूसी प्रोग्राम मसल्ला अफवाज के साथ, सिंध रेंजर्स के साथ। इस वक्त हम थर बॉर्डर में मौजूद हैं, इंडियन बॉर्डर है ये। इस इलाके की, इस एरिया की क्या अहमियत है वो भी हम आपको आगे जाकर दिखाएंगे कि 65 की वार के दौरान इसी एरिया में जो दुश्मन है वो काफ़ी हद तक अंदर दाहल हुआ और फिर किस तरह अफवाज ने, रेंजर्स ने, अवाम ने मिलकर दुश्मन को ना सिर्फ पीछे धकेला बल्कि काफ़ी हद तक पाकिस्तान का दफा किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कर्नल फैजान साहब जो कि यहाँ पर विंग कमांडर हैं। अस्सलामु अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। 65 की जंग और माशाल्लाह जिस तरह पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी अफवाज ने मिलकर कुव्वत, बहादुरी, यूनिटी के साथ उस दुश्मन को जवाब दिया, ना सिर्फ दुश्मन बल्कि दुनिया को बता दिया जिसको घमंड था अपने ताकत पर कि वो 5 गुना ज़्यादा ताकत है और वो बड़ी आसानी से आएगा। आज भी माशाल्लाह 65 को 55 से ज़्यादा साल हो चुके हैं, वो दिन है, आज का दिन है, मसल्ला अफवाज आज भी उसी तरह ड्यूटी पर मामूर है, जवानों में जज्बा उसी तरह नज़र आ रहा है। इस दिन की अहमियत के हवाले से क्या कहेंगे और आज का जो जज्बा है उसको आप कैसे बयान करेंगे? ये यौम दिफा जो है वो हम बड़े जोश व जज्बे के साथ मनाते हैं और ये वो दिन है जिसमें आज 1965 में हम लोगों ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी और उसको यहाँ से अपने मुल्क से भगाया जिसके अजाइम हमारे मुल्क के दिफा के बारे में ठीक नहीं थे। ये चीज़ हम करने के काबिल हुए जज्बा ईमानी की वजह से और हमारे लोग जो कि हमारे ऊपर भरोसा करते हैं उनकी जो दुआएं हैं और उनकी नेक तमन्नाएं जो हमारे साथ होती हैं और उनका जोश व जज्बा भी हमें एक ताकत देता है। 65 की वार थी और वो यौमे शहदा भी है, वो हमारा डिफेंस डे भी है। आम हालात में भी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बॉर्डर पर होते होंगे, तो किस किस्म के वो चैलेंजेस होते हैं और किस तरह आप खुद को जो है, ज़ाहिर है आज प्रोग्राम की मुनासबत से तो आज हम बता रहे हैं कौम को, लेकिन कौम को ये भी पता चले कि रोज़ाना जवान जो है ना वो जंग लड़ते हैं, एक दिन नहीं, रोज़ाना, हर लम्हा, हर वक्त। देखें जी, आपको पता है यहाँ पे हमारे पास जो जवान हैं पूरे पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। ये इस तरह नहीं है कि यहाँ पे जो जवान नौकरी कर रहे हैं वो सिर्फ करीब के इलाकों से हैं, ये बड़े दूर दराज के इलाकों से यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं और उनके अपने ज़ाहिर बात है घरेलू मसाइल भी होते हैं। यहाँ पर अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे आप मौसम, आपने ख़ुद ज़िक्र किया, मौसम यहाँ पे शदीद है और यहाँ की ख़ास बात यह है कि दिन के वक्त शदीद गर्मी होती है और रात के वक्त जो है जब रेत ठंडी होती है तो ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। तो आपने इवन गर्मी के मौसम में भी दोनों मौसमों का ख्याल रखना होता है, उसके हिसाब से अपने आप को बचाना होता है। तो यहाँ पे जब हम लोग रहते हैं तो उसके हिसाब से हम लोग तमाम जो हिफाजती तदाबीर हैं वो अपनाते हैं और हर चीज़ के SOPs होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं ताकि हम लोग के जवानों को कोई किसी किस्म का नुकसान ना हो। चलिए सर, बहुत शुक्रिया जी। और अभी जैसे दिन का आगाज़ हो रहा है तो यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए जाते हैं, उसके बाद सलामी दी जाती है और इसी तरह जो है वो एक मामूल के मुताबिक जवानों की रोज़ाना के तौर पर पेट्रोलिंग होती है, एक्टिविटीज़ होती हैं। आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखा सकें और हम ट्रिब्यूट स्पेशली इस प्रोग्राम में पेश करेंगे उन तमाम शहदा को जिन्होंने वतन की खातिर कुर्बानी दी और आपको वो बॉर्डर भी दिखाएँगे कि जिस पर 65 की वार में दुश्मन अंदर दाखिल हुआ और फिर दुश्मन को पीछे धकेला मसल्ला अफवाज ने।
वतन के दफा के लिए ये जो जवान हैं, ये रोज़ाना इनकी क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं? जैसे कि आज का दिन है, तो आज के दिन में खसूसी तौर पर पहले जो है वो फूल चढ़ाए गए यादगार शहदा पर, फिर सलामी दी गई, और अभी इस वक्त हम प्रैक्टिस ग्राउंड में मौजूद हैं जहाँ पर ये जवान प्रैक्टिस करते हैं, जो वेपन्स है इसको यूज़ कैसे करना इन्हें सिखाया जाता है। मेरे साथ अदनान भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से अदनान? सर केपीके से। अच्छा, केपीके इतना दूर, घर वाले याद नहीं आते? जी सर याद आते हैं, लेकिन मुल्क पहले। कितना अरसा हुआ है आपको ज्वाइन किए हुए? सर 5 साल हो गए। क्या सोच कर ज्वाइन की थी आपने फोर्स? बस सर यही सोच थी कि मुल्क की खिदमत करनी है, और इंशाल्लाह मरते दम तक सर यही मोटिव है। अच्छा, इस वक्त काफ़ी धूप है, गर्मी की शिद्दत है, थर का नाम आते ही गर्मी की शिद्दत आती है, तो आप तो रोज़ाना यहाँ पर रहते हैं, तो हम तो आ जाएँ तो हम घबरा गए हैं, हमारा जो है ना वो सांस फूल रहे, पसीने आ गए, तो रोज़ाना वो आपको कौन सा जज्बा जो कायम रखता है? बस सर मुल्क की खातिर, और हम अपनी तारीख पढ़ते हैं कि हमारे बाबा अजदाद ने, हमारे हीरोज़ ने जो कुर्बानियाँ यहाँ दी, उस टाइम ये सहूलत भी मौजूद नहीं थी, लेकिन आज के दौर में अगर हम याद करते हैं तो ये उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। जो आज हम कुर्बानियाँ दे रहे हैं, ये हमारे हीरोज़ ने इनसे बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी, तो वो देख के हमें हमारा मोराल, हमारा मोटिव इससे बहुत हाई हो जाता है, तो ये हमारे लिए गर्मी कुछ भी नहीं है। तो ये जवान हैं, और जवान इसी तरह यहाँ पर डेली प्रैक्टिस करते हैं। इस वक्त दोपहर का वक्त है, शदीद धूप है, और शदीद धूप में ये गर्म रेत के ऊपर जो हैं ये प्रैक्टिस करते हैं, फायरिंग करते हैं, और मकसद सिर्फ एक होता है, वतन का दफा। ज़ुल्फ़िकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इनके इंस्ट्रक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर माशाल्लाह, हम तो देख रहे हैं जवानों का जज्बा देखकर कि किस तरह एक्टिव जो हैं वो खड़े हैं, और हम पहले देख रहे थे, मैं तो थोड़ा साइड से भी देख रहा था कि इस गर्म रेत के ऊपर जो है वो कलाबाजियाँ लगाना, और फिर प्रैक्टिस करना, वेपन को असेंबल करना, फिर अनअसेंबल करना, तो ये काफ़ी इनमें जज्बा जो है वो कैसे पैदा होता है, आपने क्या ऑब्ज़र्व किया? असल अगर तारीख पढ़ी जाए ना, तो उसके मुकाबले में हम कुछ भी नहीं हैं। जितनी हमें आजकल फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, या हमारे उस दौर में जब कुछ भी नहीं था, तो हमारे जवानों ने जिस तरह, हमारे शहदा ने, हमारे हीरोज़ ने जिस तरह कुर्बानियाँ दी हैं, उसके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है। तो इन एक्सरसाइज से, प्रैक्टिस से ही बंदा अपने मिशन तक पहुंच सकता है, अपने टारगेट तक पहुंच सकता है। आपने फैसिलिटीज़ का, ये सहूलियात का कहा, तो अगर हम कंपैरेटिवली देखें, शहर को देखें और यहाँ थर को देखें, तो फिर तो कोई सहूलत ऐसी नहीं है कि, यानी यहाँ पर रहना, यहाँ कौन सा करीब करीब कोई मार्केट है? नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप हमारे हेडक्वार्टर से कभी बाहर निकल के देखें ना, जो यहाँ के मकामी लोग हैं, तो उसके मुकाबले में हम फिर भी, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने इतनी नेमतों से हमें नवाजा हुआ है कि जिसका हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। इंसान तो फिर वो जिधर भी जाता है वो कहता है कि ये कम है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमें भी, हमारे डिपार्टमेंट ने बहुत कुछ दिया हुआ है अंदर। अभी जी हम ज़ीरो पॉइंट पर आ चुके हैं, एंड ज़ीरो पॉइंट वो मुकाम है जहां पर बिल्कुल सामने इंडियन बॉर्डर है, और ये कंपनी है, यहाँ से जो जवान हैं वो रोज़ाना मामूल के मुताबिक पेट्रोलिंग करते हैं। क्योंकि ये डेजर्ट है, ये थर है, यहाँ पर रेत है, तो यहाँ पर गाड़ियों पर पेट्रोलिंग नहीं हो सकती, कैमल्स के ऊपर पेट्रोलिंग होती है। और आज हम आपको ये भी दिखाएंगे एक्सक्लूसिवली कि किस तरह थर का जो इंडियन बॉर्डर है वहाँ पर किस तरह पेट्रोलिंग होती है, और किस तरह हमारे जो जवान हैं, किस तरह सिंध रेंजर्स हैं, वो जवान मर्दी के साथ ये पेट्रोलिंग भी करती है और अपनी ड्यूटी भी सर अंजाम देती है। जो एरिया कमांडर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बताएगा सर कि कैमल के ऊपर पेट्रोलिंग तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, और आपकी क्या मामूल के मुताबिक इसी तरह पेट्रोलिंग होती रहती है कैमल पर? एक्चुअली डेजर्ट है, और इसको जहाज़ कहते हैं सहरा का, तो इसके बगैर पेट्रोलिंग बहुत मुश्किल है। डिस्टेंस ज़्यादा एरिया है, उसको कवर करना होता है, और इसी ये रूटीन है जवानों की, पैर में ऊँट निकलते हैं, उसमें दो दो जवान पैर में बैठते हैं और पेट्रोलिंग करके वापस अपने लोकेशन पे आते हैं। अच्छा चलें, आप सर बैठते हैं, हम और आपके साथ सवारी भी करते हैं, और हम व्यूवर्स को भी दिखाते हैं। अभी हम एरिया कमांडर साहब के साथ कैमल पेट्रोलिंग के लिए निकल रहे हैं, और आप भी देख सकेंगे कि किस तरह से सिंध रेंजर्स के जवान, किस तरह हमारे जवान जो हैं वो इस बॉर्डर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और किस कदर मुश्किल होता है कि थर जैसे इलाके में जहाँ मौसम की शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है, वहाँ पर सुबह से लेकर रात तक कैमल के ऊपर पेट्रोलिंग की जाती है, आप देख सकेंगे।
सुबह की पहली किरण निकलने से पहले यानी सूरज की पहली किरण निकलने से पहले ही कैमल पेट्रोलिंग का आगाज़ हो जाता है और कैमल के ज़रिए पेट्रोलिंग की जाती है और क्या क्या ऑब्जर्व किया जाता है और ये पेट्रोलिंग कितनी देर तक जारी रहती है। सर बताइएगा कि माशाल्लाह मैं तो बैठकर जो है वो थक गया हूँ, बड़ा मुश्किल है कैमल के ऊपर बैठना और फिर सवारी करना, और आपका तो मामूल है, तो रूटीन क्या रहती है और बिलखसूस आप जो पेट्रोलिंग करते हैं इसमें ऑब्ज़र्व क्या करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये असल में रेंजर्स की एक रूटीन है कि सूरज की पहली किरण से पहले चार जवानों पे मुश्तमिल पार्टी बम्बई दो ऊंट ये अलॉन्ग बॉर्डर साइट पेट्रोलिंग करते हैं, अपने एरिया की सर्विलेंस करते हैं, साथ चेक करते हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे कोई माल मवेशी या कोई ऐसा मशकूक आदमी क्रॉस तो नहीं हुआ। अगर ऐसी कोई रिपोर्ट मिलती है तो उस जगह की निशानदेही की जाती है और फिर काउंटर पार्ट यानी इंडियन के साथ एक फ्लैग मीटिंग की जाती है, उनको बताया जाता है और जगह की निशानदेही करके एक प्रोटेस्ट किया जाता है कि इस तरह आपकी तरफ से ये लोग टूवर्ड्स पाकिस्तान आए हैं, यानी जो पाँव के निशान हैं वो देखे जाते हैं। तो अमूमन क्या है, जानवर आते हैं, लोग आते हैं, लोग आते हैं तो उनका मकसद क्या होता है? वैसे लोकल्स होते हैं या वैसे भी कोई इशू वजह हो सकती है? यहाँ तो खैर ऐसा इशू अभी तक कोई ऑब्जर्व नहीं हुआ क्योंकि इंतहाई सख्ती है बॉर्डर के ऊपर और स्ट्रिक्ट किस्म की पेट्रोलिंग चल रही है, तो ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है। लेकिन जब ये इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ फेंस फायर नहीं लगी हुई थी तो उस टाइम ये ज़्यादा इशूज़ होते थे और फिर उसके प्रोटेस्ट के बाद वो माल में वेस्ट अगर क्रॉस होते थे उनको वापस किया जाता था, इंडिया की तरफ से पाकिस्तान आए हो तो पाकिस्तान वापस करते थे और पाकिस्तान की तरफ से इंडिया हो तो इंडिया वाले वापस। अच्छा सर, तकरीबन कितनी तादाद होगी यहाँ पर आपके पास ऊँटों की या जवानों की और कितना एरिया या कितना बड़ा है? एरिया तो बहुत बड़ा है जिसका फिगर में 2 किलोमीटर। हाँ, और जो ऊँट है इस टाइम हमारे विंग के पास 11 ऊँट है जो मुख्तलिफ लोकेशंस पे दिए हुए हैं और हर एक लोकेशन पे दो दो या एक एक के हिसाब से ऊँट होते हैं जिनकी मदद से पेट्रोलिंग की जाती है और मुख्तलिफ और ड्यूटीज़ भी अंजाम दी जाती हैं। ये जवान जीरो पॉइंट पर बिल्कुल इंडियन बॉर्डर के ऊपर ड्यूटी पर मामूर हैं और आप देखिए कि हौसला और किस कदर जज्बा एंड किस कदर बहादुरी की ज़रूरत होती है जब ये हदशा हर वक्त आपको हो, आपकी ड्यूटी 4 घंटे हो, 5 हो या 8 हो, कि किसी भी वक्त दुश्मन की सामने से गोली आ सकती है, बुलेट आ सकती है। रिजवान कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैर, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ड्यूटी तो आप बड़ी सख्त ड्यूटी पर खड़े हैं, सामने आपको पता है हिंदुस्तान है, गोली आ सकती है। जी बिल्कुल, हमको पता है, इस बात का हमको फख्र है कि पाकिस्तान रंजा सिंध में हम पाकिस्तान की ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। कहाँ से ताल्लुक है आपका? जी खुशाब से मेरा ताल्लुक है। खुशाब तो काफ़ी दूर है, घर वालों को याद नहीं आती? जी बिल्कुल, घर वालों को याद तो आती है लेकिन पाकिस्तान की भी, तो इस तरह घर वालों को बताते हैं इस तरह मैं मोर्चे में खड़ा होता हूँ सामने हिंदुस्तान होता है? नहीं, घर वालों को तो इस तरह नहीं बताते। यहाँ पर किस तरह से रोज़ाना मामूल के मुताबिक पेट्रोलिंग की जाती है जिसमें फुट पेट्रोलिंग शामिल है, कैमल पेट्रोलिंग शामिल है, किस तरह से रोज़ाना इस बॉर्डर को प्रोटेक्ट किया जाता है, हमारे साथ एरिया कमांडर गुलजार नकवी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? तो यहाँ पर हम सुबह से सबसे पहले काम, नमाज के बाद हम स्टैंड टू की कार्रवाई करते हैं जिसमें हम सारे जवानों को, सोल्जर्स को अपने एरिए का, अपने दिफा का पता होता है, रेसल होती है, रूटीन की प्रैक्टिस, और उसके बाद मेरे जवान वो जो है फुट पेट्रोलिंग करते हैं जिसमें हम वो पैरा चेक करते हैं जवान का, जो भी कोई हमारे गैर कानूनी हमारा दाखिला हमारे एरिया में दाखिल हुआ है उसको देखते हैं, यानी रेत के ऊपर पाँव का निशान देखा जाता है। ये चूँकि रेत है, ये हम थर में राजस्थान में बैठे हुए हैं, रेत में पाँव जो है ना काफ़ी दिनों तक महफूज रहता है, तो वो पाँव देखते हैं, अगर कोई इस तरह का इलीगल आया है उसको पाँव को फॉलो करते हैं, जिधर जाता है किसी गोट में जाता है जब पीछे वहाँ से उसको ट्रेस आउट करते हैं।